चुनावी समय में जहां एक ओर भाजपा अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रही है और जगह जगह सम्मेलन व रैलियां आयोजित कर रही हैं, वहीं कांग्रेस की पकड़ जिला सोलन में कमजोर होती नजर आ रही है। जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर पत्रकार वार्ता कर कंडाघाट में कार्यकर्ता सम्मेलन करने की घोषणा करते हैं और भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ चक्का जाम करने की बात भी कहते हैं, लेकिन सोलन के विधायक और ब्लॉक के अध्यक्षों से इस बारे में जब पूछा जाता है तो उन्होंने इस बारे में अनभिज्ञता जताई और कहा कि उन्हें इस सम्मेलन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, जिससे पता चलता है कि संगठन और पदाधिकारियों में तालमेल की कमी है। सोलन के विधायक धनीराम शांडी ने भी चक्का जाम पर की खबर पर हैरत जताई और कहा कि उन्हें और ना ही ब्लॉक के अध्यक्षों को 5 जनवरी को होने वाले चक्का जाम की कोई खबर है और ना ही जिला कांग्रेस ने उनसे इस बारे में कोई जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि चक्का जाम से हमेशा विकास में बाधा रहती है और लोग परेशान होते हैं, इसलिए वे जिला अध्यक्ष को सलाह देंगे कि वे कुछ लोग जाकर मुख्यमंत्री से मिले और उन्हें विकास में हो रही देरी के बारे में जानकारी दें। जोश में आके बोल दिया और किसी को लिया नहीं, बिल्कुल मेरे को पता है। देखो हमारे साथ दोनों अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं जो कि मैटर ऑफ सरप्राइज टू मी ऑल्सो, नाइदर बलदेव सिंह जी हैज बिन आस्क्ड नॉर श्री संजीव ठाकुर जी हैज बिन आस्क्ड, तो कैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया और ना मुझे किसी प्रकार की सूचना मिली कि भाई ये किस प्रकार का चक्का जाम करना चाहते हैं। बिकॉज मैं समझता हूँ कि सब चीज़ों के मुद्दे मैंने खुद विधानसभा के पटल पर उठाए हैं और बहुतों के जवाब भी मिले हैं, और मैंने ये भी इनको कहा है कि हम एक अच्छा सा डेलीगेशन बनाकर सीएम साहब के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे। कई बार क्या होता है कि चक्का जाम इत्यादि करने में अब व्यवस्था भी हो जाती है, दुनिया को खासकर जो पब्लिक को बहुत परेशानी भी हो जाती है, तो उससे विकास तेज नहीं होगा, उससे तो कई बार अव्यवस्था पैदा होती है, और अगर हम उस व्यवस्था को दूर कर सकते हैं, मिलजुल कर काम हो सकता है, तो मैं उनसे इस बात के बारे में बात करूंगा। जब इस बारे में कंडाघाट के ब्लॉक अध्यक्ष संजीव कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशों पर कंडाघाट में कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुका है जो काफी सफल रहा था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक माह में दो दो कार्यकर्ता सम्मेलन संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मीडिया के माध्यम से ही कार्यकर्ता सम्मेलन की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक कोई भी निर्देश जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नहीं मिला है। कार्यकर्ता सम्मेलन हर महीने शायद मुश्किल हो पाएगा, हमने कर दिया है। जो प्रदेश की तरफ से हमें कॉल आई थी वो हमारा सफल आयोजन कंडाघाट में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में सफल आयोजन हुआ। मुझे अखबार के माध्यम से पिछले दिनों पता चला है कि हमारे जो माननीय जिला अध्यक्ष जी है उन्होंने कंडाघाट में 5 तारीख को एक चक्का जाम करने की घोषणा की है, पर मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को इस बारे में कोई लिखित सूचना नहीं है, और यदि प्रदेश कमेटी की तरफ से हमें कोई आदेश आते हैं तो हम इस पर जरूर अमल करने की कोशिश करेंगे।